जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका को उसके घर में हराया है टीम इंडिया ने पहला टेस्ट। आप सभी को बता दें, सेंचुरियन जीत के बाद टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है। विराट कोहली की टीम की नज़रें सीरीज जीतने पर होंगी, क्योंकि भारत का अगला मुकाबला वंडर्स स्टेडियम में होने जा रहा है और टीम के हौसले बुलंद हैं। दूसरा टेस्ट मैच सोमवार को शुरू होगा 3 जनवरी, और टीम इंडिया ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। सभी क्रिकेट दिग्गजों ने इस बात की भविष्यवाणी की है, टीम इंडिया के पास साउथ अफ्रीका की धरती पर अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है। साल 2022 की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती। विराट कोहली का जोहान्सबर्ग में बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है, जहां पर वे 1 शतक और 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। ये कमाल उन्होंने 2 टेस्टों में करा है। कुल मिलाकर उन्होंने इस जगह पर 310 रन बनाए और वे एक और बल्लेबाजी रिकॉर्ड बनाने से केवल 7 रन दूर हैं। अगर विराट कोहली 7 रन और बना पाते हैं तो यह वंडर्स के मैदान पर किसी विपक्षी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड बन जाएगा। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज जॉन रीड ही एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने जगह खेले गए 2 टेस्ट मैचों में 316 रन बनाए हैं, और विराट कोहली केवल 7 रन बनाकर रीड को पीछे छोड़ देंगे। अगर हम जोहान्सबर्ग में विपक्षी बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो ये लिस्ट कुछ इस प्रकार से, जिसमें जॉन रीड जो न्यूजीलैंड खतरनाक बल्लेबाज, उन्होंने 316 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 310 बनाए भारत की तरफ से खेलते हुए। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के हैं, 263 रन बनाए थे। राहुल द्रविड़ जो अभी हेड कोच है, उन्होंने 262 रन बनाए इस मैदान पर भारत की तरफ से। डैमियन मार्टिन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, 255 रन बनाए हैं। भारत इस मैच के जरिए चेतेश्वर पुजारा से भी एक मजबूत पारी की उम्मीद रखेगा। खराब दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं होता, किसी की करियर में ऐसा उतार चढ़ाव आता है। अब आपको बता दें, एक समय भारत की दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा सेंचुरियन टेस्ट की पहली पारी में 0 पर आउट हुए, दूसरी पारी में 16 रन बना पाए। उनको तेजी से वापसी करने की दरकार है, तभी भारत निश्चित होकर बल्लेबाजी कर पाएगा, अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो। पुजारा अब तक इस जगह पर खेले गए 2 मुकाबलों में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगा चुके हैं। जोहान्सबर्ग में रन बनाना पसंद करते हैं और उम्मीद भी हम करते हैं कि ये जरूर रन बनाए। 3 जनवरी से दूसरा टेस्ट शुरू होगा दोस्तों। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉट स्टार है पर आप सभी को ठीक 1:30 पर लाइव देखने को मिलेगा। आधे घंटे पहले होगा टॉस, और टॉस कौन जीतेगा ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।